स्टार्ट कर दे क्लास। हेडिंग दे दो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इसमें कितना सारा मेथड है। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो मेथड। एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लीफो मेथड। एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। तो लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम लोग चार तरीके से वैल्यू कर सकते हैं। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड, एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड, एक होता है सिंपल एवरेज, एंड द लास्ट वन इज वेटेड एवरेज। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि सबसे पहले वही इन्वेंट्री बाहर जाता है, सेल आउट हो जाता है, स्टॉक आउट हो जाता है, सबसे पहले था द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, गोडाउन में पड़ा हुआ था। जो गोडाउन में इन्वेंट्री था एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, वही सबसे पहले स्टॉक आउट होगा। मतलब फीफो मेथड में जनरली जो करंट प्रोडक्शन है उसका एलिमेंट क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे रह जाता है। फीफो मेथड में जो करंट प्रोडक्शन होता है उसका जो एलिमेंट होता है वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे रह जाता है। सिमिलरली लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, जो इन्वेंट्री लास्ट में आया था गोडाउन में, एकदम लास्ट में आया था, वो सबसे पहले बाहर जाएगा। मतलब जो करंट प्रोडक्शन है वो सबसे पहले सेल आउट होगा, स्टॉक आउट होगा। इन दैट केस क्या होगा, जो पुराना स्टॉक है वो रह जाएगा गोडाउन में, क्योंकि जो करंट प्रोडक्शन आ रहा है, जो करंट में सामान बन के आ रहा है, वही सबसे पहले बाहर सेल आउट हो जा रहा है। तो जो पुराना स्टॉक है वो स्टॉक में रह जाएगा। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, ये दो अलग एवरेज हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि फीफो हम लोग को निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, बहुत बार बता देगा लीफो मेथड पे निकालना है। तो सबके बेस हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे। तो लिखो एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन में कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा। लिखो एग्जांपल नंबर वन, लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। अंडर फीफो मेथड, अंडर फीफो मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड। तो इसमें सबसे पहले लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लेते हैं क्वेश्चन में 6 लाख रुपया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 6 लाख रुपया, ठीक है। नेक्स्ट डेटा लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ब्रैकेट में लिख देना 5000 यूनिट्स, और कोलोन देके लिख देना अमाउंट 30,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है क्वेश्चन में, 5000 यूनिट्स के लिए 30,000। सेल्स लिख दो एट्टी थाउजेंड यूनिट्स एट द रेट
रुपीज 15 पर यूनिट, ₹80,000 यूनिट्स एट द रेट रुपीज 15 पर यूनिट। प्रोडक्शन लिख दो ₹90,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन लिख दो ₹90,000 यूनिट्स। और नीचे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो ऊपर लिखी दिए हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है ₹6,00,000। कोई बता सकता है ये ₹6,00,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितना यूनिट्स प्रोडक्शन करने के लिए? 90,000 यूनिट्स के लिए। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितना यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए? 90,000 यूनिट्स के लिए। ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट है 30,000 कितना यूनिट के लिए? 5,000 यूनिट के लिए है। और सेल्स बता रहा है 80,000 यूनिट कितना करके? ₹15 करके, ठीक है। हम लोग क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है अंडर फीफो मेथड। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले देखो एनालिसिस करते हैं। हमको इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है वो है क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो पहले हमको क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स निकालना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन बना के निकालते हैं। लिखो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड। प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना है क्वेश्चन में? 90,000। तो यहां लिख देते हैं 90,000 यूनिट्स। यूनिट्स सोल्ड कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 80,000 यूनिट्स, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स ही तो हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज। एंड ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना दिया है क्वेश्चन में? 5,000 यूनिट्स। तो प्लस 80 माइनस 5 तो 75 यहां जाके माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना आ रहा है? 15,000 यूनिट्स। यूनिट्स। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्व करके निकाल लिया जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। हमको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने इन यूनिट्स तो निकाल लिया, अब इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। वो भी कौन सा मेथड में निकालना है? फीफो मेथड में। तो हमको क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ था। प्रोडक्शन दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स दिया हुआ था, यूनिट सोल्ड दिया हुआ था। हमने हेल्पिंग डेटा से क्या निकाल लिया? क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स निकाल लिया, क्लियर, जो कि आ गया 15,000। अब निकालेंगे वैल्यूएशन। तो तुम पहले एनालिसिस करो, हमने टोटल सेल कितना किया है? टोटल सेल हमने किया है 80,000 यूनिट, मतलब ये सेल आउट हो गया। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? 5,000। हमने करंट ईयर में प्रोडक्शन कितना किया था? 90,000। मतलब हमारे पास टोटल अवेलेबल स्टॉक कितना था? 95,000। हमारे पास पहले से अवेलेबल था 5,000 यूनिट्स, हमने इस साल करंट ईयर प्रोडक्शन किया 90,000 यूनिट्स, तो टोटल हमारे पास अवेलेबल कितना था? 95,000। 95,000 में से हमने सेल कितना कर दिया? 80,000। तो बच कितना गया? 15,000 क्लोजिंग स्टॉक। अब क्योंकि फीफो मेथड फॉलो हो रहा है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक सेल आउट हुआ होगा,
सबसे पहले यही सेल हुआ होगा, मतलब अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 5000 यहां से सेल हुआ था और इसमें से कितना सेल हुआ था 75,000, क्योंकि टोटल सेल कितना हुआ है 80,000, टोटल सेल हुआ 80,000 जिसमें से 5000 यूनिट सेल हुआ है ओपनिंग स्टॉक का और रिमेनिंग 75,000 यूनिट सेल हुआ है आउट ऑफ करेंट प्रोडक्शन। तो करेंट प्रोडक्शन था कितना 90,000, 90,000 में से अगर 75,000 यूनिट सेल हुआ है तो 90,000 में कितना बचा हुआ है 15,000। तो इतना क्लियर हो गया कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है ये आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन का है, इस क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक का एलिमेंट नहीं है अंडर फीफो मेथड। टोटल सेल कितना हुआ 80,000 जिसमें से ओपनिंग स्टॉक कितना 5,000, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही सेल हुआ होगा, तो टोटल सेल 80,000 में से पहले ये 5,000 बेच के खत्म किए, रिमेनिंग जो 75,000 बच रहा है उसमें उसको यहां से बेच दिए, तो जो इसमें से बचा कितना करंट प्रोडक्शन से कितना बच गया 15,000, वही क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 यहां पे, उसका वैल्यूएशन करना हम लोग को। तो स्टार्ट करते हैं, लिखो इसमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड, अंडर फीफो मेथड तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड कुछ इस तरह से आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होल डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड into closing stock in units। तो cost of production कितना 6,00,000, whole divided by units produced कितना 90,000 units into closing stock in units कितना 15,000। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, देखो 6,00,000 रुपया कॉस्ट है कितने यूनिट बनाने के लिए, 90,000 यूनिट बनाने के लिए 6,00,000 रुपया कॉस्ट है 90,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए, तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है 6,00,000 रुपया कॉस्ट है 90,000 प्रोडक्शन करने के लिए, तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है 15 रुपया आ रहा है। तो अगर एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 रुपया है, तो 15,000 यूनिट को बनाने का कॉस्ट कितना, कैलकुलेटर यूज करो, तुम्हारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है कैलकुलेटर यूज करो, 6,00,000 रुपया कॉस्ट है 90,000 यूनिट बनाने के लिए, तो डिवाइड करने से एक यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है 15 रुपया आ रहा है, तो 15,000 यूनिट के लिए कॉस्ट कितना होगा 2,25,000। तो यह आ जाएगा हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड, ये हम लोग का आ गया क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड, क्लियर। तो फीफो मेथड में हमने देखो पहले क्या किया, एनालिसिस किया, टोटल सेल कितना हो रहा है 80,000, इस 80,000 में से जो सेल हुआ है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही तो सेल हुआ होगा, सबसे पहले यही बिका होगा क्योंकि फीफो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्शन है ये पहले से आया था कि पहले से ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक पहले से था गोडाउन में, सबसे पहले यही सेल हुआ, टोटल सेल हुआ 80,000 जिसमें से ओपनिंग स्टॉक 5,000 एलिमेंट सेल हो गया, तो इसमें से रिमेनिंग कितना सेल हुआ और 75,000 आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन, करंट प्रोडक्शन में से कितना सेल हुआ 75, तो करंट प्रोडक्शन में से बच कितना गया 15,000। अब एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 6,00,000 रुपया, कितने यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए 90,000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए, तो 6,00,000 को जब 90,000 डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का कॉस्ट आएगा, इनटू जब क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15,000 यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 2,25,000। यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करो हमेशा हमेशा कैलकुलेटर यूज करो, तुम लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हो, थोड़ा कैलकुलेटर चलाओ भाई, थोड़ा कैलकुलेटर चला लो,
इतना सिंपल सा कैलकुलेशन। हाँ तो इंटू 15,000 करो कितना आ रहा है, इतना सिंपल सा कैलकुलेशन तुम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। कितना आ रहा है, 1,00,000 रुपया आ रहा है। ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है, क्लियर। अब सेम एग्जांपल हम लोग करेंगे, फिर से कॉपी करो ये क्वेश्चन और लिखो यहां पे लीफो मेथड। सेम क्वेश्चन कॉपी करो और लिख, हेडिंग सब कुछ सेम रहेगा, खाली चेंज हो जाएगा, लिख दो लीफो मेथड। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक अंडर लीफो मेथड। लीफो मेथड में निकालना है तो लीफो मेथड में हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 6 लाख दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000 यूनिट दिया हुआ है। अगेन फिर से एनालिसिस करो, टोटल सेल कितना हुआ, 80,000। 80,000 सेल हुआ है, जिसमें से सबसे पहले जो सेल हुआ होगा वो आउट ऑफ करेंट प्रोडक्शन हुआ होगा, क्योंकि लीफो फॉलो हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री पहले से था गोडाउन में, ये बाद में आया, तो जो बाद में आया उसमें से पहले निकलेगा। 90,000 में से कितना निकल गया, 80,000, तो 90,000 में बच कितना गया, 10,000, और पहले का कितना बचा हुआ था, 5,000। तो कुल मिलाकर क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट कितना आया था हम लोग का, 15,000। इस तरह से ये एनालिसिस रहेगा। इसमें लिखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर लीफो मेथड। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर लीफो मेथड, ठीक है, इसमें लिख देंगे हम लोग आउट ऑफ करेंट प्रोडक्शन, आउट ऑफ करेंट प्रोडक्शन। तो आउट ऑफ करेंट प्रोडक्शन का थोड़ा कैलकुलेशन भी दिखा देंगे। देखो करेंट प्रोडक्शन में से कितना यूनिट बच गया है, 10,000 यूनिट, तो उसका कैलकुलेशन फिर से वैसे ही होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 6,00,000 रुपया, कितना यूनिट बनाने के लिए, 90,000 यूनिट बनाने के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 6,00,000 रुपया, कितना यूनिट बनाने के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग 90,000 यूनिट्स, फॉर प्रोड्यूसिंग 90,000 यूनिट्स। तो जो करेंट प्रोडक्शन में से 10,000 यूनिट बचा हुआ है, करेंट प्रोडक्शन से जो 10,000 यूनिट बचा हुआ है, उसका कॉस्ट हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो कितना आ रहा है बताओ, तो 67 कर देते हैं उसको, 66,667। इसमें लिख देंगे एड कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक सेल आउट नहीं हुआ है, वो भी पूरा का पूरा बचा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक सेल आउट नहीं हुआ, पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो लिख देंगे एड कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक था कितना, 30,000। तो कुल मिलाए कितना हो जाएगा, 96,667। ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक अंडर लीफो मेथड। तो सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए फिर से क्वेश्चन कॉपी करो, लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक अंडर सिंपल एवरेज मेथड।
under simple average method. तो सिंपल एवरेज मेथड में सेम क्वेश्चन का हम लोग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन निकालेंगे. तो हेडिंग दे देंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अंडर सिंपल एवरेज मेथड. Value of closing stock under simple average method. तो simple average method में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को simple average rate निकालना पड़ता है. ठीक है, simple average rate निकालेंगे. rate का मतलब होता है cost per unit निकालेंगे. जैसे अगर हम ध्यान से देखें, opening stock का cost कितना है, 30,000 है. और कितना unit के लिए है, 5,000 unit के लिए है. opening stock का जो cost है वो 30,000 है, वो कितना units के लिए है, 5,000 units के लिए है. तो कॉस्ट है 30,000 5,000 यूनिट्स के लिए. तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना, 6 रुपया. तो सबसे पहले निकालेंगे, देखो, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट. सबसे पहले हम लोग रेट निकाल लेंगे. तो 30,000 रुपया ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट है और कितना यूनिट्स के लिए है, 5,000 यूनिट्स के लिए है. तो 30,000 बाई 5,000 करने पे कितना आ रहा है, ₹6 पर यूनिट आ रहा है. ठीक है, ये आ गया कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट, आ गया ₹6 पर यूनिट. क्लियर, वैसे ही करके लिख देंगे कॉस्ट ऑफ, अगर हम ध्यान से देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,00,000 रुपया है. कितना यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए, 90,000. तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट निकालेंगे. तो 6,00,000 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग कितना यूनिट्स, 90,000 यूनिट्स. तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6,00,000 डिवाइड बाई 90,000. फिर से वही गलती हो रहा है, कितना, 6.67 पर यूनिट. तो हम देख पा रहे हैं कि दो तरह का रेट आ गया. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन हम लोग सीख रहे हैं अंडर सिंपल एवरेज मेथड. इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट भी निकाल लिए, ये रेट है ओपनिंग स्टॉक का. रेट हमेशा पर यूनिट, पर केजी, पर आवर ऐसे होता है. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट हमने निकाल लिया करेंट प्रोडक्शन का. तो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट और करेंट प्रोडक्शन का कॉस्ट 6.67 पर यूनिट. हमारे पास दो तरह का रेट है. अब लिखेंगे देयरफोर सिंपल एवरेज रेट. मतलब इन दोनों रेट का सिंपल एवरेज कर देंगे. मतलब ₹6 प्लस ₹6.67 होल डिवाइडेड बाय 2. तो 6 प्लस 6.67 होल डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है, 6.33. उसके बाद 5. तो 6.33 रहने देते हैं, 6.33 अप्रोक्स ये रेट निकल गया. ठीक है, सिंपल एवरेज रेट. और ये कैसे निकला है, पर यूनिट के रेस्पेक्ट में निकला है. 6.33 पर यूनिट. ठीक है, अब निकाल देंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. Value of closing stock. तो closing stock in units को multiply कर देंगे simple average rate से. तो question में देखो, closing stock in units कितना है,
हम लोग पहले निकाल लिए थे एकदम शुरुआत में 15,000 यूनिट्स, और सिंपल एवरेज रेट कितना है 6.33 अप्रॉक्स, तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है 94,950 एग्जैक्ट 94,950 ये निकल गया क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन अंडर सिंपल एवरेज मेथड। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन अंडर सिंपल एवरेज मेथड। ये सब हम लोग जब मेन सम बनाएंगे ना तो मेन सम ये सब वर्किंग नोट का काम करेगा, ये सब हम लोग को मेन सम में वर्किंग नोट का काम करेगा। नेक्स्ट लास्ट मेथड, सेम क्वेश्चन में हेडिंग दे देंगे फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक अंडर वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन सीखना है अंडर वेटेड एवरेज मेथड। तो देखो वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे हम लोग सिंपल एवरेज रेट निकाल रहे थे सिंपल एवरेज मेथड में, ऐसे हम यहां पे वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे। तो लिखो वेटेड एवरेज रेट, हेडिंग दे देंगे भाई वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वेटेड एवरेज मेथड। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वेटेड एवरेज मेथड। इसके अंदर में सबसे पहले हम निकाल लेंगे वेटेड एवरेज रेट, तो वेटेड एवरेज रेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा याद रखेंगे जो भी कॉस्ट जो रुपी वैल्यू होगा उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपीज वैल्यू में होता है न्यूमरेटर में रहेगा, प्लस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मतलब अगर ध्यान से देखें हम लोग न्यूमरेटर में टोटल कॉस्ट ले रहे हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कुल मिला के सारा स्टॉक का टोटल कॉस्ट ले रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। प्लस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक न्यूमरेटर में जो आ रहा है वो टोटल कॉस्ट है, होल डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, ये टोटल यूनिट्स है। मतलब बेसिकली वेटेड एवरेज रेट निकलता कैसे है, टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो वेटेड एवरेज रेट आ जाता है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि दिया हुआ है 600,000 रुपया, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपया, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 90,000 यूनिट्स एंड ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स है 5,000 यूनिट्स। तो इसको सॉल्व करके मतलब 6,30,000 डिवाइड बाई 95,000 यूनिट्स कितना आ रहा है 6.63, तो एक वेटेड एवरेज रेट आ गया 6.63 पर यूनिट, ये आ गया हम लोग का वेटेड एवरेज रेट। अब ये जो वेटेड एवरेज रेट आया इसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, लिख दो
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इन टू वेटेड एवरेज रेट. तो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना, 15,000 यूनिट्स इंटू वेटेड एवरेज रेट कितना, 6.63. तो 15,000 को 6.63 से मल्टीप्लाई कर दो, 99,450 अप्रोक्स आ रहा है कि एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट. तो 99,450. तो ये चार मेथड हो गया क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का, जो कि हम लोग को सम्स करते समय यूजफुल रहेगा. मतलब पैटर्न, मतलब यही सब डेटा से हम लोग को वर्किंग नोट में ये चारों मेथड का क्लोजिंग स्टॉक निकालना रहता है, FIFO मेथड, LIFO मेथड, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज.